हेलो एवरीवन, आज का अपना टॉपिक है डबल इंटीग्रेशन। ठीक है, तो डबल इंटीग्रेशन में आपको बेसिक इंटीग्रेशन आना चाहिए 12th का, डबल इंटीग्रेशन। ठीक है, तो डबल इंटीग्रेशन होता क्या, तो इंटीग्रेशन जैसे हम 12th में करते उसी तरह इसको डबल इंटीग्रेशन भी हम दो इंटीग्रेशन रहेगा उसको सॉल्व करेंगे। समझ लो ऐसा है, कोई भी दो इंटीग्रेशन दिया रहेगा और यहाँ पर फंक्शन रहेगा एक्स एंड वाई के टर्म में, उसको सॉल्व करना होगा हमें डी एक्स से और डी वाई से। ठीक है, मतलब एक बार एक्स के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा इंटीग्रेशन, एक बार वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। एक चीज़ यहाँ पे आपको याद रखना पड़ेगा, ये एरिया फाइंड करने के लिए कभी भी डबल इंटीग्रेशन यूज़ होता है। डबल इंटीग्रेशन की यूज़ होता है एरिया फाइंड करने के लिए किसी भी कर्व का। ठीक है, तो यहाँ पर भी एक्स से अगर मुझे इंटीग्रेट करना है तो इसका अंदर का जो लिमिट होगा, ये वाला अंदर वाला लिमिट, तो ये किसके टर्म में होगा, वाई के टर्म में होगा। ठीक है, मतलब एक्स इक्वल टू समथिंग कुछ रहेगा यहाँ पे, एक्स इक्वल टू फंक्शन ऑफ वाई। ठीक है, अगर x का x से डेरिव इंटीग्रेशन कर रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे लिमिट x इक्वल टू एफ ऑफ वाई, मतलब y के टर्म में होगा, और यहाँ पे x इक्वल टू एफ ऑफ वाई, ये भी y के टर्म में होगा, ऊपर अपर लिमिट। ठीक है, अब उसके बाद ये इंटीग्रेट करने के बाद अब मैं y से इंटीग्रेट जब करूँगा उसको, ये फंक्शन को। ठीक है, तो इसका लिमिट क्या होगा, यहाँ पे, यहाँ पे लिमिट होगा इसका y के टर्म में। ठीक है, तो y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई, मतलब एक्स वाई एक्स के टर्म में लिमिट रहने वाला है। ठीक है, एग्जांपल के थ्रू इसको समझेंगे तो ज़्यादा अच्छे से आपको समझेगा। समझ लो एग्जांपल लेता हूँ मैं, और यहाँ पे कांस्टेंट होगा तो भी चलेगा, देखो एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूँ। समझ लो ये है और एक्स एंड वाई है, इसका इंटीग्रेशन करना है, और ये डी एक्स है और ये डी वाई है, तो इसका अंदर का लिमिट क्या होगा मालूम है, वाई के टर्म में होगा, वाई है समझ लो, और ये टू वाई समझ लो। ठीक है, और वाई वाई है यहाँ पे, तो यहाँ पे लिमिट क्या होगा, एक्स होगा, मतलब एक्स के टर्म में रहने वाला है, और कांस्टेंट भी होगा तो भी चलेगा। ठीक है, या तो कांस्टेंट होना चाहिए या तो लिमिट वाई है तो एक्स के टर्म में होना चाहिए, अगर एक्स है तो वाई के टर्म में होना चाहिए, तभी ये आपका सॉल्व हो सकता है। ठीक है, तो ये था डबल इंटीग्रेशन। तो इसको हम एग्जांपल लेते हैं इसका, तो आपको ज़्यादा अच्छे समझेगा इसका एग्जाम्पल। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल है, समझ लो मुझे सॉल्व करना है, एरिया फाइंड करना है। ठीक है, इवेल्युएट करना है, जीरो टू वन, और क्या दिया, जीरो टू एक्स, उसके बाद दिया एक्स वाई इंटू डी वाई डी एक्स। ठीक है, ये दिया है मुझे। ठीक है, तो अभी इसको सॉल्व करना है मुझे, तो ये सबसे पहले अंदर का लिमिट सॉल्व करना पड़ता है हमें। ठीक है, ये वाला, बाद में बाहर का। तो इसको सॉल्व करने के लिए अगर मैं वाई से कर रहा हूँ इंटीग्रेशन, तो सेम पार्शियल के जैसा रहता है, पार्शियल डेरिवेटिव जिस तरह से करते हैं उसी तरह यहाँ पे भी, अगर मैं वाई से कर रहा हूँ तो एक्स को कॉन्स्टेंट समझेंगे, अगर एक्स से कर रहा हूँ तो एक्स को वाई को कॉन्स्टेंट समझेंगे। ठीक है, पार्शियल के जैसा, तो यहाँ पे भी वाई से मैं करूँगा इसको इंटीग्रेट, तो सबसे पहले लिमिट चेक कर लो, देखो y है तो यहाँ पे जीरो है। ठीक है, चलेगा, कांस्टेंट रहेगा, चलेगा, और ऊपर क्या है इसका लिमिट, x है, देखो y है तो x के टर्म में लिमिट है। ठीक है, तो भी चलेगा, मतलब अपोजिट रहना चाहिए यहाँ पे लिमिट। ठीक है, तो अभी इसको मैं इंटीग्रेट जब करूँगा ये वाले पार्ट को, तो इसको मैं ऐसे लिखूँगा जीरो टू वन, ऐसे लिख दिया। अब इसको इंटीग्रेट कर रहा हूँ तो वाई से कर रहा हूँ तो एक्स क्या होगा, कॉन्स्टेंट, तो कॉन्स्टेंट है तो इसको ऐसे लिखा, और वाई का इंटीग्रेशन क्या होगा, वाई स्क्वायर बाय टू। देखो ना, एक्स स्क् एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाय टू होता है ना, x से करते तो यहाँ पे मैं y से कर रहा हूँ, तो क्या होगा, y का इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर बाई टू। ठीक है, इंटू, सॉरी, लिमिट, लिमिट क्या है इसका, x जीरो, जो लिमिट था लिख दिया, इंटू डी एक्स, ये बाहर का टर्म ऐसे लिख दिया मैंने। ठीक है, अब ये x पुट करूँगा कहाँ पे, y के जगह पे, क्यों, क्योंकि y से किया था ना मैंने, तो y पुट करूँगा यहाँ पे, तो ये ऐसे ही होगा जीरो टू वन, x लिखा, अब ये y के जगह पे पुट करूँगा, क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाय टू माइनस, अब जीरो पुट करूँगा तो जीरो बाय टू ब्रैकेट इंटू डी एक्स। ठीक है, तो ये तो जीरो होगा। ठीक है, तो ये अंदर एक्स मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, जीरो टू वन एक्स क्यूब बाय टू इंटू डी एक्स। अब सिंपली इसको करना है इंटीग्रेशन। ठीक है, ये तो आपको पता ही है, 12th में था, तो एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन एक्स से करना है मुझे। ठीक है, तो एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन करूँगा तो क्या होगा, एक्स पावर फोर बाय फोर, और वन बाय टू कॉन्स्टेंट था तो उसको मैंने ऐसे लिख दिया, एज इट इज़ लिख दिया। ठीक है, वन बाय टू कॉन्स्टेंट था, और एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन एक्स पावर फोर बाय फोर। ठीक है, अब लिमिट पुट कर दूंगा वन से जीरो। ठीक है, तो वन बाय एट होता है ये, टू इंटू फोर इज़ वन बाय एट, इंटू अभी वन पुट किया यहाँ पे मैंने, वन पावर फोर माइनस जीरो पावर फोर, वन पुट किया फिर जीरो पुट किया यहाँ पे। ठीक है, तो वन बाय एट मल्टीप्लाई वन ही आएगा, ये इक्वल टू वन बाय एट। तो ये था मेरा एरिया, यूनिट स्क्वायर। ठीक है, तो मुझे एरिया इसका मिल गया, इस तरह से मैंने डबल इंटीग्रेशन सॉल्व किया। ठीक है, तो इसका एक और एग्जांपल लेते हैं किस तरह से सॉल्व करना है हमें इसे। ठीक है, तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं किस तरह से इसे सॉल्व करना है, और अच्छे से आपको ज़्यादा अच्छे समझ जाएगा।
यहाँ पे बोला इवेल्युएट क्या 0 to 2 0 to रूट 2x एक्स वाई डी वाई डी एक्स, ठीक है, सेम सम है, सिर्फ लिमिट इसका डिफरेंट होगा, ठीक है। तो अभी मुझे अंदर का ये सबसे पहले अंदर वाला सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। अंदर वाला सॉल्व करने के लिए डी वाई है तो यहाँ पे लिमिट क्या होना चाहिए, कांस्टेंट या तो एक्स का टर्म होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे कांस्टेंट है और यहाँ पे एक्स का टर्म है, ठीक है, तो ये सॉल्व हो सकता है। तो इसको मैं सॉल्व करूँगा तो 0 to 2 लिखा ऐसे ही, और इसको सॉल्व करूँगा जब तो वाई से करूँगा तो एक्स कॉन्स्टेंट होगा उसके लिए, तो एक्स वैसे लिख दिया मैंने, और वाई का इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर बाय टू, ठीक है। तो यहाँ पे रूट टू एक्स और यहाँ पे जीरो लिमिट पुट कर दूंगा ये वाला जो है, और डी एक्स को मैंने एज इट इज लिखा, ठीक है। अब यहाँ पे वाई के जगह पे रूट टू एक्स पुट करूँगा मैं, ठीक है। तो 0 to 2 x यहाँ पे पुट किया मैंने, तो रूट टू एक्स पुट करूँगा तो स्क्वायर होगा तो क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा बाय टू, माइनस जीरो पुट करूँगा तो जीरो का स्क्वायर जीरो ही होता है, ठीक है, तो बाय टू यह होगा, और डी एक्स को मैंने ऐसे लिख दिया। तो सिर्फ 2 से 2 कैंसिल हो गया, बचा का यहाँ पे ए तो जीरो हो जाएगा, तो एक्स और एक्स कितना होता है एक्स स्क्वायर, 0 to 2 x² डी एक्स, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन आपको पता है, इसको डी एक्स से करना है, मतलब एक्स से इंटीग्रेट करना है इसको, तो क्या हो जाएगा x³/3, और लिमिट पुट कर दूंगा 2 से 0। अब 2 पुट करूंगा इसमें तो कितना आएगा, 2 का क्यूब बाय 3 माइनस 0 पुट करूंगा तो 0 का क्यूब बाय 3, तो इक्वल टू क्या आ जाएगा 8/3। तो ये हो गया मेरा फाइनल आंसर, यूनिट स्क्वायर एरिया फाइंड हो गया है। तो इसका एक और एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा और आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा कैसे करना है क्या करना है, ठीक है। 0 to 1 0 to x e रेस टू एक्स प्लस वाई डी वाई डी एक्स, ठीक है, डी वाई डी एक्स। तो सबसे पहला अंदर का सॉल्व करना, ठीक है। अंदर का सॉल्व करने से पहले एक चीज़ और कर लेते हैं कि ई रेस टू एक्स प्लस वाई है तो इसको मैं थोड़ा सा ऐसा लिख सकता हूँ, अगर देखो 0 to x इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ ई रेस टू एक्स इंटू ई रेस टू वाई, अलग कर सकता हूँ ना पावर को, तो मैंने वो कर दिया, ठीक है, पहले तो थोड़ा आसानी से सॉल्व हो जाएगा और, ठीक है। अब मैं वाई से करूँगा ये वाले पार्ट को, तो देखो y है यहाँ पे, 0 है यहाँ पे, x है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो इसको y से करूँगा जब मैं, तो e रेस टू एक्स है जो x का टर्म कांस्टेंट हो जाएगा इसके लिए, 0 to 1 मैंने ऐसे ही लिख दिया, 0 to 1 ऐसे ही लिख दिया, e रेस टू एक्स कांस्टेंट है इसको एज इट इज लिख दिया। e रेस टू y का इंटीग्रेशन क्या होगा, e रेस टू y का इंटीग्रेशन y से करूँगा तो e रेस टू y होगा, सेम ही होगा। तो यहाँ पे पुट करना पड़ेगा x और 0, ठीक है, इंटू डी एक्स, लिमिट पुट किया यहाँ पे। अब यहाँ पे पुट करूँगा वाई की जगह पे एक्स और 0, तो क्या आएगा देखो 0 to 1 ई रेस टू एक्स, ऐसे ही ई रेस टू क्या आ जाएगा यहाँ पे एक्स माइनस ई रेस टू 0, एक्स पुट किया 0 पुट किया, ठीक है, इंटू डी एक्स हो गया। अब ई रेस टू 0 क्या होता है, 1 होता है, क्योंकि एनीथिंग रेस टू 0 इज 1। ई रेस टू एक्स ब्रैकेट ई रेस टू एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स, ठीक है, ई रेस टू एक्स अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ई रेस टू एक्स अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या जाएगा ई रेस टू एक्स क्या हो जाएगा ई रेस टू 2x हो जाएगा, माइनस ई रेस टू एक्स 1 से ज़्यादा मल्टीप्लाई होगा तो ई रेस टू एक्स हो जाएगा इंटू डी एक्स, ठीक है, ब्रैकेट। अभी x से इंटीग्रेट करना है इसको इसको, ठीक है, तो इसको इंटीग्रेट करूँगा ई रेस टू 2x को x से, तो क्या होगा ई रेस टू 2x, और x के साथ जो भी टर्म रहता है डेरिवेटिव में मल्टीप्लाई करते हैं और इंटीग्रेशन में डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे x के साथ क्या 2 है तो यहाँ पे डिवाइड कर दिया मैंने 2 हो गया, माइनस ई रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा ई रेस टू एक्स ही होगा, ठीक है। अब ये लिमिट पुट कर दूंगा 1 और 0, तो 1 पुट करो 0 पुट करो यहाँ पे सिंपली, तो 1 पुट करूँगा यहाँ पे तो क्या होगा ई रेस टू 2, 1 का कुछ नहीं, 2 into 1 is 1 माइनस ई रेस टू 1 माइनस, अब 0 पुट करूँगा, 0 पुट करूँगा तो क्या होगा ई रेस टू 0 डिवाइड बाई 2 माइनस ई रेस टू 0, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लूँगा थोड़ा सा तो क्या हो जाएगा ई स्क्वायर माइनस ई डिवाइड बाई 2 माइनस, यहाँ पे ई रेस टू 0 इज 1 बाय 2, और ये माइनस अंदर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और ई रेस टू 0 इज 1, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करूँगा, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा 1/2 हो जाएगा, 1 - 1/2 is 1, ठीक है, +1/2, ठीक है, मतलब 1 - 1/2 क्या होता है 1/2 होता है, तो इसके लिए मैं +1/2 लिख दिया, तो ये हो गया मेरा फाइनल आंसर, ठीक है, एरिया मुझे मिल गया। तो अभी नेक्स्ट आगे मूव करते हैं इस टॉपिक में, तो बेसिक हो गया मेरा डबल इंटीग्रेशन का, नेक्स्ट टॉपिक में भी देखते हैं कैसा करना है इसको, ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, थैंक यू फॉर वॉचिंग।